आप देख रहे हैं एसके न्यूज। जिला गन्ना अधिकारी डॉक्टर सुभाष यादव ने शिहोरा गन्ना विकास समिति का वार्षिक निरीक्षण किया तो वहीं यहां सारी रिपोर्टों को संतोषजनक पाया। इस दौरान गन्ना सचिव के साथ जावेद शम्स, कामिन चौधरी सहित अन्य स्टाफ यहां मौजूद था। तो वहीं निरीक्षण में गोदाम, खाते, चेकबुक और पंजीयन पुस्तिकाओं को चेक किया गया। साथ ही उप गन्ना आयुक्त को इसकी जाँच भी सौंपी गयी। ये माननीय गन्ना आयुक्त एवं उप गन्ना आयुक्त के आदेशानुसार अंतर जनपदीय समिति का निरीक्षण के लिए टीम गठित की गई है, जिसमें मुझे अफजलगढ़ और सेवहारा चीनी मिल क्षेत्र मिला है। अफजलगढ़ की जांच हमने समिति की जांच कर ली है और सेवहारा समिति की जांच आज करने आए हैं। इसमें भिन्न भिन्न मुद्दों पर जाँच की जाएगी, जैसे अस्थायी संपत्ति क्या है, CPF की कटौती से संबंधित। तो अस्थायी संपत्ति में जांच करने में मिला कि यहाँ पे 8 खाद गोदाम जो हैं वही संपत्ति के हैं, साथ ही साथ एक कार्यालय भवन है। इसी तरीके से डिमांड लिस्ट फीड की गई है कि नहीं, समय से फीड की गई है। जैसे यहाँ पे 3,84,00,000 की डिमांड लिस्ट थी, उसके अगेंस्ट 3,44,00,000 की वसूली हो चुकी है, यानी कि लगभग 90% की वसूली चल रही है। साथ ही साथ कार्यालय अवकाश पंजिका का निरीक्षण किया गया। अवकाश पंजिका में देखा गया कि समय से सब फीड है। इसी तरीके से संतुलन पत्र, TDS, कार्यालय की साफ सफाई के संबंध में निरीक्षण, ये निरीक्षण जो है समय समय पर किया जाता है। जैसे अंतर जनपदीय निरीक्षण हुआ, इसमें 2 समिति मिली, इसका निरीक्षण किया और संतोषजनक स्थिति पाई गई। सहारनपुर के देवबंद विधानसभा से सपा प्रत्याशी माबी अली के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काटकर पूर्व MLC गजय सिंह द्वारा किया गया। इस मौके पर भारी संख्या में सपाइयां मौजूद थी। जिस उम्र में बच्चों को पढ़ना चाहिए, उस उम्र में एक बिटिया अपने लाचार भाई का बोझ अपने नन्हे कंधों पर ढो रही है। सहेलियों के साथ खेलने कूदने और नन्हे हाथों में किताबों की जगह उसके हाथ में भाई की बैसाखियां हैं। भाई की जिंदगी चलाने के लिए बहन के इस त्याग को देखकर लोग तंग रह जाते हैं। जी हां, दियारा के हमजाबाद गांव की रहने वाली इस मासूम के पिता नहीं है और जन्म से ही भाई लाचार है। तो वहीं दोनों लोग गांव में घूम घूम कर भीख मांगते हैं, जिससे 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ होता है। गाड़ी से लाद के लेके आई से घरे, वहाँ से घरे से दिया चढ़ा से गाड़ी लाद दिले थे, ऊपर लाद दी थे, लाद के हमेशा बैठ के गाड़ी भाई सुन तक उतर जाये थे। उतर बाद बैठाए के बैठा के बाद काकर लेके आए थे, मांगे सबसे मांगे थे दवा के लिए। अच्छा, तो ये कब से जो है बीमार है? बहुत दिन से, जब पैदे से वही तबे। मम्मी ने कुछ कहा था ना? नहीं, पापा मर गए। नन्नी रूबी अपने दिव्यांग भाई को लेकर सड़कों पर लोगों के आगे जैसे तैसे हाथ फैलाती है, तो वहीं भाई बहन के प्यार को देखकर लोग इन पर तरस खाते हैं। तो वहीं अब किसी ने इनके लिए कुछ बड़ा करने की नहीं सोची। सबसे बड़ी चीज हमने ये देखी कि उसकी एक छोटी बहन है और जो उसको लेकर के जो है जीवन यापन के लिए मांग रही है, भिक्षा मांग रही है। तो भाई की जीवन के लिए तो लोग कुछ दे रहे हैं उसको जो है, अपना भाई बहन का प्यार देखा जो है कि वो अपनी जिंदगी को जो है अपने उस दांव पर लगा दे रही है भाई के लिए जो है, कि जबकि भाई किसी काम के लायक नहीं रह जाएगा, वो ठीक नहीं हो पाएगा। भाई से उसको कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन उसके भाई को उससे उम्मीद है। अपने दिव्यांग भाई के साथ सड़कों पर भटकती मासूम का जीवन आज तो अपने भाई के लिए समर्पित है, लेकिन इस मासूम को उम्मीद है कि इनके जीवन में कभी ना कभी रोशनी की नई किरण जरूर आएगी। हरदोई के बालामऊ में नीलू सत्यार्थी की विशाल जनसभा को आयोजित किया गया, जिसमें बसपा महासचिव सतीश मिश्रा ने शिरकत करते हुए सपा और भाजपा पर निशाना साधा। तो साथ ही उन्होंने सपा को गुंडों की सरकार बताया, वहीं सरकार में भ्रष्टाचार भी हावी बताया। रोड शो नहीं कर रहे हैं ये लोग, अपनी दोनों मिल करके कब्र खोदने का शो कर रहे हैं और दिखाने जा रहे हैं कि अपना गड्ढा अपने लिए खोद रहे हैं, कि इस गड्ढे में हम दोनों लोग अब कैसे जाएंगे और इकट्ठा जाएंगे। अब ये अलग अलग जा रहे थे, अब ये एक साथ मिल करके उसमें जाने करेंगे। तो ये प्रदेश को लूटने की योजना बना रहे हैं, इनको गलत फहमी है। ये प्रदेश के लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं और इनके इस तरह के रोड शो से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला।